इंसर्शन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि हम वो साइट चूज करते हैं कि जब हमारे जीन इंसर्ट हो जाए तो वो इंसर्टली इनएक्टिव हो जाए, तो हम इस तरह इसको सर हमें पता कैसे चलता है कि ये एक्टिव हो गया या इनएक्टिव है? आप अपना कंस्ट्रक्ट जब बनाते हैं तो उसमें आप ऐसे साइट्स रखते हैं ना कि अगर वहाँ इंसर्शन होगी तो प्रमोटर रीजन जो है वो क्या होगा, डिसरप्ट होगा, और वो उस मार्कर के अगेंस्ट इनएक्टिविटी होनी चाहिए। फिर हम उसको आगे प्लेट पे स्क्रीन करते हैं कि हमारा जो मार्कर है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। लाइक आप ओके अगर सर, वो लैग जी एक्टिविटी वाला देखेंगे तो आपके जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनमें वो एम्पिसिलिन को रिजिस्ट भी कर रहे होंगे और उनका कलर भी वाइट होगा, तो वाइट कलर तभी होगा जब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ इंसर्ट हुआ है, अगर नहीं इंसर्ट हुआ तो वो ब्लू होगा। सर हम किसी वेक्टर को देख के नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है या नहीं जा सकता? मतलब उसकी कोई ऐसी मतलब बड़ा साइट्स नहीं है जहां से हमें बेटा गैस अंदाजा कर क्या, सकते? आपने तो वेक्टर को सिलेक्ट करना है इसी बेस पे कि कौन से मार्कर्स होंगे, कौन सा फिनोमेना होगा, अंदाजे की तो बात ही नहीं है। सारा जो क्लोनिंग की स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड ही वेक्टर पे कर रही है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके उसके अंदर इंसर्ट किए बगैर मतलब बेटा पहले हमें इंसर्ट ये किए पता बगैर ही देखेंगे ना थ्योरेटिकली उसे, नहीं। इस वेक्टर में कौन सी साइट्स हैं, कहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारा वेक्टर आके उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन सी साइट्स पे लाई करेगा, वेक्टर पे का जो कंस्ट्रक्ट है वेक्टर के साथ एडिशन होके क्या बनेगा, तो सारी चीजें आपके पास ऑल चॉइसेस होंगी वेक्टर की, फीचर्स उसके बेस पे ही आप चूज करेंगे। तो सर जिन ओके वेक्टर्स में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमिना नहीं है तो जी उस जी केस में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बेटा उसमें फिर अदर मार्कर्स होते हैं ना, लाइक रिपोर्टर जीन्स हैं, दूसरे हैं, ठीक है। सर अभी हमने जितने वेक्टर्स देखे हैं तो उसमें मार्कर जीन का तो पता चल जाता है, तो रिपोर्टर जीन उसमें है या नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा देख के, वेक्टर को देख के? यही देखना है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि क्या वेक्टर में बिल्ट इन रिपोर्टर जीन है जैसे लैग जी फिनोटिपिक मार्कर है, या फिर क्या वो उसको आप टैग कर सकते हैं विद योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लाइक जो कॉमन मार्कर्स हैं फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स वगैरह ये तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी कस्टमाइज्ड सर वेक्टर्स आर अवेलेबल यानी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट में वो ऐड कर दें रिपोर्टर जी, उसमें जीन कर को? सकते हैं। अगर बहुत से वेक्टर ऐसे हैं जिनमें ये ऑलरेडी कस्टमाइज्ड हैं जिनमें नहीं है उनमें हमें खुद करना होगा। जी, आपने अभी कम वेक्टर देखे हैं, वेक्टर्स को एक्सप्लोर करें ना, वो जो 8 वेक्टर्स हैं मैं अभी देख रहा हूँ उसकी, ये भी असाइनमेंट आप लोगों की ना, तो डेफिनेटली टाइम तो लगता है। सर एक्चुअली इसका हमारा बैकग्राउंड नहीं है ना, तो फिर जब हम असाइनमेंट कर रहे थे तो फिर हमें काफी ऐसे पूछने में तो काफी चीजें समझ आ जाती हैं, बट जब हम जी वेक्टर को देख रहे थे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा था क्योंकि बेटा उसमें बिल्कुल बस बहुत सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स और भी वो, फिर हमें सब चीजें समझ नहीं आ रही थी। जी जी बेटा, आपको डेफिनेटली उस पर ज़्यादा इनपुट चाहिए उसको एनालिटिकली जो है वो देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और यही पर्पस है कि हम जब एक टॉपिक देखते हैं हमारे सामने स्लाइड्स होती हैं तो हमें तो 5-7 मिनट में पता चल जाता है कि अच्छा इसमें तो हम अलामे हो गए हैं, सब कुछ याद कर लेना ये चीज़ें, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उसे अप्लाई करते हैं तो यही कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इवन आफ्टर यस सर, कॉम्प्लेक्सिटी पेपर तो के प्योर बात है ना, असाइनमेंट देना ये नहीं। आफ्टर कॉम्प्लेक्सिटी ही तो मज़ा आता है ना फिर डिस्कशन का, तो क्लियर पता चल जाता है कि किन लोगों ने काम किया और किन लोगों ने नहीं। सर कॉम्प्लेक्सिटी तो है पर जरूरी नहीं है कि एंड पे हमें सब कुछ समझ आ जाए, तो फिर इस केस में क्या होगा मतलब? तो बेटा आप क्वेश्चन रखें जहाँ आपको आप लगता है कि यहाँ पे हम स्टक हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो जस्ट नोट डाउन करें एंड आस्क द क्वेश्चंस इन अ क्लास, नेक्स्ट टाइम तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना। पर सर कभी कभी हम बेसिक पे जा रहे होते हैं और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ ले तो हम वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने तो ये बात पूछी, ये मेरे वेक्टर में मुझे शो ही नहीं हो रही, मतलब मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वहां जाके हम कंफ्यूज बेटा हो जाते हैं।
नो इशू, जहां भी कंफ्यूजन है आई एम देयर टू हेल्प यू। आप बेशक बेसिक क्वेश्चन पूछें, फॉर एग्जाम्पल वो क्लास पर ही नहीं रहती, वो बीच बीच में से वो सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, और जो हम थोड़े बेसिक लेवल पर ही होते हैं अभी, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर ऊपर से चीजें गुजरना शुरू हो जाती है। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल, मुझे ये आप पहली दफा आज पूरी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हाफिजा जैनब और मैमूना, ठीक है? वरना मेरे से जो क्वेश्चन किया है वो उन लोगों को मैं जानता हूँ, तीन चार लोग हैं जिन्होंने बातें की हैं। सुन रहे होते थे ना कि हमें लग रहा था कि हमें भी समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें भी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या पूछना है, ठीक है? दे तो आप बेसिक सर वो पूछते थे तो हमें समझ नहीं आएगा, पर और कंफ्यूज हो जाते थे, मतलब उनकी बातें सुन के तो हमें लगता था हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आया हुआ। जी सर, क्यों रिलाय कर रहे हैं आपकी, ये तो हर बंदा जो काम कर रहा है उसके अपना जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इंटरप्रिटेशन है उस लेवल पे उसकी डिफिकल्टीज आएंगी, वो कोई दूसरा ना पूछ सकता है ना समझा सकता है। जैसा लेकिन हम चुप करके सुनते थे कि शायद हमारे वाले मसले इधर भी हैं, पर वो कुछ उनके और मसले चल रहे होते थे हमारे, और बीच में जब हम देखते थे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी। चलें, आप एटलीस्ट आपको इतना तो पता चला ना कि हर एक का मसला डिफरेंट है। यस सर, बहुत ज्यादा डिफरेंट। होपफुली अब आप कर लेंगे, ठीक है? यस सर, पेपर के लिए डिफरेंट देना, ये नहीं देना। चलें, अभी कोई लास्ट स्टेप में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। वो मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा अगर जीना इंटरेस्ट इसको इंसर्ट किए बगैर हम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी पूछा है। बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इट मींस कि आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में इस तरह से काम नहीं किया, यानी आपने अब आई मे बी रॉन्ग इन दिस वे, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है कि आपने अभी स्टार्ट किया काम, आप अब तक यही समझते रहे हैं कि एक टॉपिक है सारे उस पर काम कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी याद हो जाएगा, या फिर मैं रिकॉर्डिंग देख के तो उसमें मार्कर और ओरिजिन और ये चीजें मुझे समझ में आती थी, मतलब क्योंकि वो तो वेक्टर को देख के पता चल जाता है ना इसके अंदर ये मार्कर है ओरिजिन है ये सब कुछ, तो इसके अलावा खुद से कुछ इंसर्ट करने वाली बातें नहीं समझ में आती थी। तो बेटा वो थ्री प्राइम और फाइव बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, थ्री प्राइम और फाइव प्राइम डीएनए के टू एंड्स है ना, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है? लेफ्ट से स्टार्ट हो तो उसे फाइव प्राइम कहते हैं, जो राइट पे वो थ्री प्राइम एंड है। यस सर, उससे तो पता चल जाता है लेकिन कैसे कट करना है फ्रेगमेंट को। तो बेटा वहां पे रेसेक्शन साइट उसको ऐड करनी है, ये तो पहले ही दिन की असाइनमेंट है जो आपने की भी है, सबमिट भी कराई है कि आप उसमें यूनिक रेसेक्शन साइट देखते हैं, जो नहीं है उनको वहां पे इंसर्ट करते हैं। हाँ, कैसे इंसर्ट करना है ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ फाइव प्राइम के साथ आप बिल्कुल एंड पे अटैच कर लें, ठीक है? एट दिस स्टेज ये थ्रू म्यूटाजेनेसिस इंसर्ट की जाती है, जब हम म्यूटाजेनेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तो देन यू विल बी एबल टू नो कि वहाँ पे। अब अज्यूम करें कि आपने पोजीशन सिर्फ आप इस स्टेज पे इंडिकेट करें कि यहाँ पे होने चाहिए, और वो साइट सपोज टेट्रा बेस है, हेक्सा बेस है, वो छः सात बेस पे आप लिख लें वहाँ पे, सही है सर, ठीक है जी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर, जब हमारा वेक्टर रेडी हो जाता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ जीओआई, तो हम होस्ट अगर सेलेक्ट करते हैं और वो होस्ट डिग्रेड करना शुरू कर देता है पूरे सेटअप को, तो उसका क्या रीजन हो सकता है सर मेन? बेटा जब आपने वेक्टर चूज कर लिया तो चूज करते हुए भी आपने होस्ट कंपैटिबिलिटी देखी, इसी चीज पे ये किसका क्वेश्चन है, मैमूना का क्वेश्चन है ना कि कमल का? यस सर, ये मेरा क्वेश्चन है, मैमूना, ठीक है? तो एनीवे कमल, एनीवे बेटा ये तो अगला स्टेप है इसी चीज से अवॉइड करने के लिए कि आप बिल्कुल अगली टारगेट को देखे बगैर आप एक कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, और अगले स्टेप पे जब जाते हैं, ठीक है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी रिसर्च में बच्चे ऐसे ही करते हैं कि उनका जो विजन है वो बिल्कुल शॉर्ट साइटेड होता है कि अच्छा ये कर लिया उसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव का नहीं पता। तो बेटा आपने जब वेक्टर चूज करना है तो उसमें जो डिफाइंड क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है उसमें कंपैटिबिलिटी विद होस्ट है या नहीं है? यस सर,
ठीक है, अब कंपैटिबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर आप चूज कर रहे हैं उसकी रेप्लिकेशन होस्ट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या यस फिर सर, ये सिंपली जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इन दैट केस अगर वेक्टर आपने इन कंपैटिबल टू दैट होस्ट चूज कर लिया है तो वो डेफिनेटली डिग्रेड हो जाएगा, और अगर आपने चूज करने से पहले उसकी कंपैटिबिलिटी भी देखी है तो देन इट विल नॉट बी एबल टू डिग्रेड। होप यू गॉट द आंसर, क्लियर हुआ? यस सर, चलिए जी, आज बहुत कम सर लोग, बल्कि काफी अभी हो चुके हैं जी। सर तो ये कॉम्पैटिबिलिटी हम किस तरह चेक करते हैं, मतलब होस्ट के अंदर हमने ये चेक करना है कि वो एप्लीकेशन कर सकता है या नहीं कर, मतलब हमारा वेक्टर जो हमारे होस्ट के अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये कॉम्पैटिबिलिटी कैसे चेक होती है? बेटा होस्ट कंपैटिबिलिटी के बहुत से पैरामीटर्स हैं, आपने वो हैंडआउट्स पढ़े हैं जो मैंने आपको भेजे थे। एनीवे इसमें वेक्टर्स की डिवीजन भी है, एक ब्रॉड होस्ट होते हैं, एक नैरो होस्ट होते हैं। वेक्टर दो तरह के हैं, कुछ वेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है और जो बहुत ही लेस डिपेंडेंट होता है ऑन द होस्ट फॉर रेप्लिकेशन, यानी उसका एक अपना मैकेनिज्म है। जी तो मेन जो उसका ORF की रिकग्निशन है वही फैक्टर होता है। दूसरा आपने कंपैटिबिलिटी में ये देखना है कि आपके जो मार्कर्स हैं क्या वो, जैसे मैंने कहा था कि एक इंट्रिंसिक उसमें रेजिस्टेंस है तो वो ड्रग मार्कर जो है उस पर काम नहीं करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे भी आप चूंकि एक सेल के अंदर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें उसका जो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो भी उसको डिग्रेड करेगा, क्योंकि फॉरन DNA है ना। जी सर, ठीक है, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये आपको इन बेसिस पे ये आपने देखने हैं। ठीक है, सर तो ये हम एस मतलब होस्ट हमने पहले चूज किया हुआ होगा, तो फिर हम जो है तो उसके बाद वेक्टर को देख के हम सारा चेक करेंगे कि ये वेक्टर हमारा जो जी है तो इसमें देखी चीजें डेफिनेटली, हैं या अगर नहीं। यस यू हैव टू चेंज योर वेक्टर, क्योंकि होस्ट तो आपका इंडिपेंडेंट था, पहले से नाउ जी यस तमाम चीजें उस पे डिपेंडेंट है, तो आप अपना नॉट ओनली वेक्टर, आपका पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, आपने वो एक जो ऑब्जेक्टिव चूज किया है उसको मीट करने के लिए आपने अपनी स्ट्रेटेजी कस्टमाइज करनी है। जी सर, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सर हम लोगों ने फिलहाल वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली चीज चेक की थी कि मतलब वो जो उसके जो मार्कर्स हैं उसका रेजिस्टेंस है या नहीं, हमने वो क्राइटेरिया देखा था सिर्फ। जी बेटा, उसी क्राइटेरिया पे देखें आप, उसके अलावा अदर मार्कर्स भी तो मैंने आपको बताए हैं ना, आप वो वेक्टर भी देखें फिर सर उसमें। उसमें इंजेक्शनल इनएक्टिवेशन कर दी थी, मतलब अगर ये जो रिपोर्टर थे या मतलब लेग्जी हो गया या हमारे पास ग्रीन वो तो फ्लोरेसेंट आप प्रोटीन किसी हो मार्कर के भी कर सकते हैं ना, प्रोवाइडेड कि उसमें वो जी। वेक्टर में इनहेरेंट मैकेनिज्म है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप वो कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रिपोर्टर और अदर जीन जो भी होते हैं। जी सर, तो सर ये सारे क्राइटेरिया चेक करने हैं हमने फिर अभी जी जी रेप्लिकेशन होस्ट के डेफिनेटली अंदर। बेटा, आप उन हैंडआउट्स को पढ़ें, वो सारे जी आपके पास एक जो है ना वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, और ये जो आपको जिस डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जी प्रॉब्लमेटिक लर्निंग। जी सर, सही है सर, सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने हमें ये बताया कि हम लोग वैसे तो अपने वेक्टर को हर हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उनको भी, और हम इवन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमेना भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो फिर हम इन द बिगिनिंग वैसे वेक्टर्स क्यों देखते हैं जिनके अंदर ये ऑटोमेटिक मतलब पहले से ही ये चीज़ मौजूद हो या वो इसी मैकेनिज्म पे काम करते हों? बेटा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जांपल लें कि आपने पक वेक्टर लिया जिसमें लेग जी जीन है, और दूसरे साइड पे आपने लिया PBR322। ठीक है, आप PBR322 में बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप एट ए टाइम एक वेक्टर जो है वो इनएक्टिव कर सकते हैं और दूसरा एक्टिव रख सकते हैं, या दोनों को इनएक्टिव कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। जी वर्सेस जो पक सीरीज वेक्टर है जिसमें लेग जी एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो उस केस में लेग जी जो है, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो बिल्ट इन इनएक्टिव है। ठीक जी सर, है, आप उसको उसमें आपकी चॉइस नहीं है, वेक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप लेग जी के फिनामिना को एट ए टाइम जो है वो उसको आप एक्टिव कर दें और जो एम्पिसिन रेजिस्टेंस है उसको आप इनएक्टिव करें। ठीक है, यू यू जी कॉन्ट डू दिस। तो बेटा जो कस्टमाइजेशन है दैट इज फ्लेक्सिबल अंडर द ओके सर्कमस्टांसेस, कि आपको वेक्टर
बिल्ट इन मैकेनिज्म अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. ओके सर. ठीक है, गुड. तो सर इसके लिए हम फिर आर्टिकल लिए, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे गूगल में सर्च करने से तो ये चीजें नहीं मिल रही होती. नहीं बेटा, आप कमर्शियल वेक्टर देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं. सर्च करने के लिए भी तो आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ नॉलेज चाहिए ना उस सिलसिले में, उस फाइल में, कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलना है. जैसे सर अब लास्ट टाइम में आपने जो कहा था ना कि सीरीज फाइंड करनी है, मतलब कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है उसका, वेक्टर का, ये सब चीजें ना, तो सर ये एज सच नहीं मिल जाती आराम से गूगल में. इसके लिए भी बेटा पेपर्स पढ़ने आप पड़ते अगर हैं. लेटेस्ट वर्जन देखें तो उसमें लिखा होगा दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस. आप इंटरप्रेन्योर सोच से देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके टॉप पे आप उसकी प्रीवियस वर्जन से जो उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो मस्त लिखेंगे. जी सर, बैकबोन दिया हुआ था, लेकिन सर वो बैकबोन दिया हुआ था कि इसका बैकबोन कौन सा है, लेकिन इस तरह नहीं बताया हुआ था कि लेटेस्ट कौन सा है. तो बेटा जो आपका, अच्छा अब ये बात आए कि लेटेस्ट कौन सा, ठीक है. जी आप उसमें देखें कि साथ जो किट का मटेरियल होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें रेफरेंसेस भी दिए होते हैं, ठीक है. तो जिस साइट जी पे उसको कस्टमाइज किया हो, बेशक कोई भी इंटरप्रोल कंपनी है, उसके अपने भी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ काम स्टार्ट होता है. नो डाउट उसके अपने ही ऑथर्स के होना हो, लेकिन वो उस पब्लिकेशन का रेफरेंस जरूर देगा कि हमने फलां जगह पे ये कस्टमाइज किया है और फलां पब्लिकेशन में रिपोर्ट किया है. तो उसके ईयर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके बाद कोई पेपर आया नहीं आया या वो चीजें हैं. तो जो भी लेटेस्ट सर, है, कुछ के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये बैकबोन हमें यहाँ से मिली और फिर हमने ये वेक्टर डिजाइन किया. जी, उससे डिजाइन किया, उसको आगे कस्टमाइज किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वेबसाइट पे है कंपनी की या किसी पब्लिकेशन में, या दैट इज योर रेफरेंस, ठीक है. तो इस तरह उसकी लेटेस्ट चीजें होती हैं. ठीक और है सर, दूसरा लाजमी तो नहीं है कि लेटेस्ट एक ही हो, लेटेस्ट मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना. गुड बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट? सर बेसिकली जो प्रेजेंटली हमारे पास वेक्टर्स रिसर्च में या इन चीजों में यूज हो रहे हैं ना. जिसमें इंप्रूव्ड फीचर्स हैं वही आपका जो है वो लेटेस्ट वर्जन होगा. लेकिन एनीवे इसमें मैंने आपको कोई वो फिक्स ईयर नहीं दिया कि जिस ईयर का लेटेस्ट हो. इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, और यही चीजें मैं आप में इनकल्केट करना चाह रहा था जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. सर कि वो आपको अभी जो एटलीस्ट आपने ये पता चला ना कि लेटेस्ट क्या है, किस तरह से हमने सर्च करना है, क्या कुछ करना है. तो आप किसी ईयर का भी दे दें, उसका जो बैक वर्जन है ओरिजिनल, जितना आप उसको एडवांस सर्च करेंगे वहीं पे ही आपकी क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट्स में डिफरेंशिएशन होगी. सर एक और क्वेश्चन आपसे, होस्ट कंपैटिबिलिटी वाली बात है ना सर, इसका मैं पूछ रही थी कि ये तो इतनी आराम से नहीं मिल जाएगा, तो इसके लिए हम इसका पेपर्स वगैरह स्टडी करेंगे. नहीं बेटा, आप उसको इतने अभी पेपर पे ना जाएं ज्यादा, आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आप एक जी सर, जनरल जो क्राइटेरिया है कि ये ब्रॉड रेंज है तो इसकी कंपेटेबिलिटी होगी, ठीक है, या फिर उसको स्पेसिफिकली आपने जो टारगेट किया है तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे वो सुपे हो है, उसमें कंपेटेबल है या नहीं है, ठीक है. जी सर, ठीक है सर, ये कंपेटेबिलिटी ब्रॉड रेंज पे कर लें, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, पर्पस ये है कि आप लोग, आपको एक्सप्लोर करने के वेज जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है. दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. आप उन वेज को किस हद तक एक्सप्लोर करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो अगर इतना इन डेप्थ जाके चले जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चंस और होंगे, बहुत सी ऑब्स्टेकल्स होंगी, दैट विल बी वेरी हार्ड टू कवर द अदर टॉपिक्स ऑफ द कोर्स. सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज. जी साहब. सर एक्चुअली मैंने जो जीन सेलेक्ट किया था वो मेक जीन है, तो वो चिंपैंजी का था, और जब मैंने एड जीन पे उसके लिए वेक्टर सर्च किए तो वो उसमें जनरल मेक जीन कैसे आ रहा है मैमल्स का. तो सर फिर मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, और वो तो थाउजेंड्स ऑफ वेक्टर उसके लिए आ गए थे. हाँ तो ठीक है ना, वो तो कंपैटिबिलिटी उसकी है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं. सर क्योंकि मैमल्स का सीक्वेंस तो फिर उनमें सिमिलैरिटीज होगी. जब थाउजेंड्स ऑफ वेक्टर्स हैं तो उसमें थोड़ा सा आप बहुत ब्रॉड हैं, थोड़ा सा नैरो डाउन करें. जो प्रोकैरियोटिक में एक्सप्रेशन हुआ है किसी बैक्टीरिया में, ठीक है, तो आप उस पे आए. सर बैक्टीरिया का जो मोस्टली था उसमें इतना, जैसे जितना मेरा सीक्वेंस था जीन का, तो वो उसमें इंसर्ट नहीं हो पा रहा था उसका, या ज्यादा मतलब उसका सीक्वेंस थोड़ा बड़ा था, तो वो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर बैक्टीरियल ओरिजिन वाला नहीं मुझे मिल सका. ठीक
चलो बेटा मेरे सामने आएगा तो मैं इस पे कमेंट कर सकूंगा कि अदरवाइज मैं तो इसी टॉपिक पे हूँ कि यू हैव टू एक्सप्रेस इन अ बैक्टीरियम, इज इट सो? यस उसमें आप सर। जीन के पार्ट को शॉर्ट कर सकते हैं और प्लाज्मिड बेस वेक्टर जो है ना आपने वो यूज़ करना है, क्योंकि जब आप यूकेरियोट्स पे डायरेक्ट जाएंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी बात ये है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जो भी जीन लेके जा रहे हैं यूकेरियोटिक सेल में भी लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, कि सिंगल सेल में उसका एक्सप्रेशन तो देखें ना कि किस फॉर्म में, डायरेक्ट आप नहीं लेके जा सकते ओके क्योंकि सर। उसमें ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। कंट्रोल कंडीशन में तो आपको सारा कुछ पता है, यूक्रियोट में क्या पता कि वो सिंगल सेल में भी एक्सप्रेस ना होने के काबिल हो, और हम समझे कि यूक्रियोटिक में मल्टी सेलर में जो सर फिर मैं प्रोलेटरी। अपना अगर मुझे उसमें करवाना है हाँ बेटा इट इज बेटर कि क्योंकि आप जीन का कोई एक पार्ट ले लें, ठीक है, और उसको सर आप उसी में, तो बेहतर है कि प्रोक्रियोट्स में पहले करें, ठीक है। सर वो आपने स्टार्ट में बोला था ना, वो जहाँ पे कंप्लीट जीनोम इस तरह से लिखा होता है तो वो वाले चूज करने हैं, कुछ में पार्ट्स भी होते हैं तो वो नहीं लेना, इसलिए फिर मैंने वो पूरा सीक्वेंस ले लिया था। लेकिन बेटा कंप्लीट जीनोम तो नहीं एक्सप्रेस होगा ना, कंप्लीट जीनोम में आपको फुल यस जीनोम सीक्वेंस मिलेगा, और जो जीन जीन साइज का, है, जीन का और जो फुल जीन सीक्वेंस साइज है वो मिलेगा। बेटा आपने अकॉर्डिंगली उसे देखना है। हाँ ओके सर, साइज जीन का हम चेंज कर देते हैं। हाँ ओके अच्छा बेटा अब आपके मिड की तरफ आए। यस सर, यस सर, यस सर। जी बेटा यस हेलो। सर, अच्छा जी बेटा सर, अब आप लोग असाइनमेंट पे और टास्क पे ही खुश हैं? जी सर, अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा असाइनमेंट में एज यू नो के असाइनमेंट आप डेफिनेटली खुद करेंगे, लेकिन उसमें आपकी कन्फ्यूजन्स भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ठीक है, और कुछ आप एक दूसरे से हेल्प भी लेंगे, ऑफ कोर्स लेने भी चाहिए क्योंकि ये टास्क है, ओपन बुक चल रहा है, तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा इसको कपल विद वाइवा भी होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप मुझे एक टाइम देंगे असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद, जस्ट 5 to 10 मिनट्स का, मैं इसमें 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो रखूंगा, और 25 में से जो है वो 15 की असाइनमेंट होगी, 10 मार्क्स जो है वो वाइवा के होंगे। सर सेकंड आप इन वो वाइवा असाइनमेंट आपका? से रिलेटेड करेंगे, जी बेटा जो आप हमें असाइनमेंट जो आप हमें असाइन करेंगे उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे जी, उसी असाइनमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, कोई उससे आगे पीछे नहीं होंगे। सर? वाइवा सर रिटन फॉर्म में असाइनमेंट होगा या ओरल फॉर्म में होगा? ओरल ओरल ओके सर, ठीक है, जब आप असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा देंगे तो मैं उसमें आपसे तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सर डेट हाँ जिस दिन पेपर था बेटा ये सारा काम उसी दिन का करें ना, आपने 27 का कहा था तो 26 को मुझे देंगे, 27 में मैं आपका वाइवा ले लूंगा, ये जी जी बाद में सर। वाइवा देना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, वाइवा ठीक है, 27 ठीक है सर। 27 ठीक है, और सबमिट आप कराएंगे जी सर, 26 को, सर सबमिशन डेट भी 27 कर दें। यस बेटा सर। सर सर हम 27 लोगों की का सुबह उसको असाइनमेंट असाइनमेंट सबमिट में पेपर कराएंगे है सर, सर, 27 किसी को प्लीज सबमिट नहीं करा सर, सकते बेटा हमारे मैंने, के लिए पेमेंट नहीं सर संडे तक। बेटा आप 26 को ये सबमिट कराएं क्योंकि मैंने उसे डाउनलोड करना है, कुछ देखना तो है ना, उसमें से उसी में से क्वेश्चन पूछनी है। सर आप 28 को वाइवा रख लें, 27 को आप पेपर ले लें। सर हम लोगों की एक और असाइनमेंट बेस्ड पेपर है और वो काफी लेंथी हमें मिला हुआ है। हाँ 27 नहीं 28, और आपका उसके बाद कब का पेपर है इस वीक में? सर सर ये बस फिर लास्ट खत्म है, लास्ट होगा ये सर, आपका लास्ट लास्ट पेपर है।
27 मेरा ख्याल है, आई डोंट नो कि ये पोर्टल कब तक ओपन है। आप मेरा पेपर बिल्कुल सारे पेपरों के बाद लेके गए हैं, ठीक है, तो लेट मी फिनिश ऑन 26 एंड 27। सर हमारा 25 तक एग्जाम है सर, हमारे 29 को एपिडेमियोलॉजी का है सर। अच्छा 29 को भी है, क्योंकि अभी मुझे वो कुछ इसमें आई नहीं है। चले ठीक है, 27 और फिर 28 कर लें। 29 को है, कंफर्म है तलहा? यस सर, हमारे एपिडेमियोलॉजी का पेपर है सर। चले 27 और 28 कर लें। और स्टार्ट कब से हो रहे हैं? स्टार्ट तो आजकल भी है, पिछले वीक सर स्टार्ट 19 से हुए थे। 19 से स्टार्ट है, 19 से। अच्छा, 19 से स्टार्ट है, तो चले ठीक है फिर 27 को आप सबमिट करा दें और 28 को वाइवा। ठीक है सर। लेकिन 27 को किस वक्त आप सबमिट कराएंगे? यस सर, अर्ली इन द मॉर्निंग अंटिल 9 और 10। सर ठीक है सर, टीम्स पे अपलोड कर दें या ईमेल? नहीं बेटा, ये वो तलहा को सबमिट कराएं, और आपकी जो फाइल है, फाइल का जो है ना, वो उसको आपने रीनेम करना है विद योर नेम। ऑलराइट सर, ओके सर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. 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 Thank you.
this, which could be excised with any restriction kit having the 500 units of your desired restriction enzyme. That could be any enzyme that will be specific for your gene of interest. This enzyme has a unit activity of 1 unit is equal to 5 nanogram per microliter. And the kit contains 1000 microliter of distilled water and 1 ml of 5x reaction buffer. Clear? Secondly, your host is an MDR, multi-drug resistance to almost all the antibiotics, for example, ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin, etc. So under these two conditions, you have to make a construct of your GOI. Okay, is it clear? Sir, it's yes. Me. मेंशन क्या करना है मतलब ये जो फर्स्ट वाला है दिस लुक्स लाइक अ न्यूमेरिकल तो हम इसको सॉल्व उस तरह से करेंगे इसमें आप ये बताएं कि आपने एक कंस्ट्रक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्ट के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे फर्स्ट इन लिस्ट योर स्टेप्स कि व्हाट यू नीड एंड देन टू कंप्लीट ईच स्टेप यू हैव टू आई मीन analyze your available data and you will come to know how you have to proceed aur jo bhi aapne fir step decide karna hai usko aapne completely use wo dekhna hai to sirf steps likhne hai sir ye is tarah solve wagaira to nahi hoga complete karna hai sara kuch complete karna hai theek hai jo aapko samajh aata hai use mukammal taur pe ise karna hai ठीक है इन सिंपल वर्ड्स आपको एक डीएनए दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है ठीक है और आपका अपना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है सारी कैलकुलेशंस करनी है ना अगर जरूरत है तो करें अगर जरूरत नहीं तो ना करें जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो इस रेंज में है और आपने उसे एक्साइज करना है विद आपको एक किट दी गई है ठीक है जिसमें आपका जो डिजायर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे आप एक्साइज करेंगे उसकी भी क्वांटिटी दी हुई है यूनिट एक्टिविटी दी हुई है आपको किट के तमाम इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और दूसरी कंडीशन ये है कि जो होस्ट आपने चूज किया है वो एमडीआर है जो भी बैक्टीरियम है और वो ऑल एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है ठीक है आपने इसके लिए एक कंस्ट्रक्ट बनाना है ठीक है आप कंस्ट्रक्ट बनाने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आप वो लिखेंगे हर स्टेप को आप कैसे इस डाटा के बेस पे एक्सप्लोर करेंगे एंड दैट यू विल डू लाइक दिस
what is your understanding about it? You will solve it and submit by 27th April 9 a.m. ठीक है सर. होस्ट में सारी ड्रग्स की रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जी बेटा. सर होस्ट जो है आपने कहा इसमें ऑल एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट है होस्ट में. जी बेटा जी बेटा. तो सर हमने देखा था कि अगर होस्ट किसी एक को रेजिस्ट कर रहा है तो जो दूसरा होगा वो मार्कर जो हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो जीओआई था वो लाइगेट हो गया. तो सर ये तो सबको ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मतलब गुड. ये तो एक रिसर्चर और साइंटिस्ट की सोच है लेकिन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कुछ और हैं तो अब हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी. ठीक है उसमें तो एक एमडीआर आ गया है जो हर एक को जो है वो रिजिस्ट करता है तो अब हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना होगी. इज इट इंटरेस्टिंग सर? एक क्वेश्चन है सर. मुश्किल लग रहा है भी इंटरेस्टिंग का तो समझ नहीं आ रही. अच्छा अच्छा चलें सर. डीएनए की कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ेगा उसकी लाइगेशन और सिलेक्शन वगैरह पे? बेटा आप तो टाइम गुजर गया ना क्वेश्चंस का. अब आपने ये ओपन बुक ली है मेरे से तो ना क्वेश्चन पूछे ना. डीएनए इस रेंज में कुछ भी आप चूज कर सकते हैं. ठीक है सर. ठीक है. और आप यानी एक चीज़ है उसकी बेस पे आप जब कस्टमाइज करेंगे अपने कैलकुलेशंस तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा. मिमिक हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन? तो कितने लोगों ये अच्छा नहीं लग रहा है? आई मीन इंटरेस्ट लग रहा है अभी तो क्लास कोई अच्छा लग रहा होगा कि मुश्किल है काफी. सर समझ आएगी तो पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है कि कैसा. चलें अभी समझ ही नहीं. सर अब समझ आ जी सर. समझ आ रही है लेकिन एक नहीं कंफर्म हो रहा है कि जो हमें समझ आ रही है वो वैसा ही है या नहीं. वो वैसा ही है या नहीं समझ में आएगा कि प्यारा था कि नहीं था. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. आप जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकली है. सर आप असाइनमेंट चेक कर रहे हैं ना अभी? हाँ जी. तो सर अगर आपको किसी के असाइनमेंट में लगा कि बहुत ज्यादा इशू है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया हुआ तो आप काइंडली उससे एक दफा कॉन्टेक्ट करके बता दीजिए कि आपने असाइनमेंट में ये मिस्टेक्स की हुई है क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कि हमने असाइनमेंट भी सही की हुई है या नहीं ना. तो जिसे ये नहीं पता सबसे बड़ी तो यही बात है ना सर. एक्चुअली जो जो चीजें आप बता रहे हैं अभी क्लास में वो सारी मेंशन हैं की हुई हैं लेकिन स्टेप वाइज के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो इस वजह से. तो जिन लोगों ने साथ साथ किया है समझा है और प्रैक्टिस भी की है देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर देम. इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. सर आपने हमें रेंज दी हुई है डीएनए कंसंट्रेशन की तो इसमें से हम किसी भी कंसंट्रेशन का ले सकते हैं? जी जी कोई भी कंसंट्रेशन का डीएनए आप ले सकते हैं. या दिस इज अपनी मर्जी का सर. अपनी मर्जी का इसी रेंज में से? बिल्कुल बेटा आपकी अपनी मर्जी का कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है. ठीक है सर. ठीक है. अच्छा चलें बेटा मैं ये फाइल मिड प्रोजेक्ट के नाम से आपको ग्रुप में ही सेंड कर रहा हूँ. जी सर. जो मैंने आपसे फाइल शेयर की है बेटा ये सेंड कर दिए एंड होपफुली यू हैव गॉट इट. ठीक है बच्चों. जो आप खुद करते हैं जब आपको ये नहीं पता कि ये मैंने कैसे किया है काम तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर उसे समझ पाएगा? नहीं सर ये हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं पर ये नहीं पता होता कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. अपनी तरफ से तो हम बस देते हैं कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं. देखें आप अगर सपोज आप वेक्टर चूज कर रहे हैं जिसमें एंटीसिन रेजिस्टेंस है ठीक है
तो आप उसको सिलेक्ट भी एम्पिसेंट रेजिस्टेंस पे करेंगे ना, तो दिस इज लॉजिकल। अब इसको कोई भी अगर इसके अगेंस्ट होता है या इसको ड्रॉप करता है तो डेफिनेटली यू कैन आर्गू, सो बी कॉन्फिडेंट। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं आपने इंस्ट्रक्शनल इनएक्टिवेशन की हुई है, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो तो सेप्टिबल होना चाहिए, और आप इनएक्टिवेशन के बावजूद कह रहे हैं कि आप एम्पिसिलिन के बेस पे ग्रोथ पे रेजिस्टेंस बेस पे सेलेक्ट करेंगे, तो इन दिस केस आई एम लॉजिकल। ठीक है, जो चीज़ गलत है वो उसको, जो चीज़ ठीक है उसे कोई भी गलत नहीं कर सकता, और जो चीज़ गलत है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम यही होता है जब जहाँ पे आप लोग कहते हैं ना कि हमारा इशू है और हमें खुद नहीं पता और ये चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती वहाँ पे। सर हमें फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया है ना, तो आप उसमें हेल्प लेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस आपसे करके आपकी दोबारा देख के लेक्चर, तो जी जी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, तो कंफर्म नहीं है कि हमने सही स्टेप्स किए हैं। सर आपने जब भी कहा था कि जीओआई देखा है, उसके साइज देखा है, उसका कॉपी नंबर और क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंचाइज वगैरह, वो सारे स्टेप्स हम सब ने ही मेरे ख्याल से सेम ही किए हैं। आप ऐसे उसे बगैर चेक किए तो मैं नहीं कुछ कह सकता ना, तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। सर सिर्फ एक बात बता दें जी, सर हमारा जो ये होस्ट है ये MDR है, ड्रग रेजिस्टेंट है काफ़ी सारे ड्रग्स के लिए, तो सर हमने मार्कर के लिए कोई और जीन फिर सेलेक्ट करना है ना, ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करना है जिसमें एज ए जीन यूज हो मार्कर। बेटा सोचें, स्टॉर्म योर ब्रेन। सर हिंट तो दे दें, सर ये ड्रग रेजिस्टेंट कर रहा है लेकिन जो रिपोर्टर जीन्स है उनको तो रेजिस्ट नहीं करेगा, वो तो हो सकता है फ्लोरेसेंट हो गया और बाकी सब। देखें बेटा, यू मे बी राइट, ठीक है, एंड ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू सर। सबरा एक दफा ये एक्सप्लेन कर दो यार, वैसे मुझे सर गए। अच्छा इसमें ना सबसे पहले हमने एक वेक्टर चूज करना है जैसे सर ने हमें बताया ना, लेकिन हमने वेक्टर ऐसे चूज करना है। अच्छा एक अच्छा इसमें ना हमने सबसे पहले वेक्टर चूज करना है जिसमें हमारे पास जो एंटीबायोटिक जीन्स है ना, एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस जो जीन है उनको देख के नहीं करना, ऐसा वेक्टर चूज करना है जिनमें ड्रग्स के अलावा जीन्स हो, जैसे लैग जी वगैरह, जिसको हम बाद में ना एज अ मार्कर यूज कर सकें। हमने वो नहीं देखने इस बार, इसलिए नहीं देखने क्योंकि हमारा जो होस्ट है वो कम्प्लीटली ड्रग रेजिस्टेंट है, तो हमने दूसरे वो जीन्स की बेसिस पे अपना वेक्टर चूज करना है, लैग जी हो गया और दूसरे जो सर ने बताए थे ना एंटीबायोटिक मार्कर्स, सॉरी जो सेलेक्टेबल मार्कर्स, उसकी बेस पे हमने चूज करना है अपना होस्ट और फिर उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और बाकी वही सारे स्टेप्स वो जो कैलकुलेशन सर ने कराई थी ना वो करनी है इसमें। हाँ हाँ वो भी करना है इसमें, और इसमें ना सारे स्टेप्स भी लिखने हैं कि हमने कैसे वो अपना वेक्टर चूज किया, कौन सा वेक्टर चूज किया है, और फिर उसके बाद हमने उसकी लाइगेशन की, और अपने जो हमारा हम लोग कैलकुलेशन के बाद जो जितना हमने कंटेंट चूज किया है ना, कंसंट्रेशन जितनी चूज की है, तो उसको लाइगेट करना है हमने अपने वेक्टर के साथ, और उसके बाद उसकी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है बस। ठीक है मुझे तो इतना ही समझ आया,
इज़ा बता दे कि उसको भी अगर कुछ समझ आया तो वो, बाकी किसी और को समझ आया वो बता दे, मुझे इतना समझ आया। अच्छा अच्छा, ये हम करते हैं ना, तो फिर जो चीज समझ ना आई वो फिर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।